हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम आज घर आ गए हैं फिर से, और देखिए माँ के लिए क्या लाया हूँ। आलू ला दिए हैं, बीमार थी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम घर आए हैं, और घर आने की वजह है कि मेरी माँ बीमार थी, और बीमार रहने के कारण जो है कि हमको आना पड़ा, और अभी चल जाएंगे एक घंटा डेढ़ घंटा में। तो इसका देखभाल करने के लिए देखिए मेरी माँ है, इसको देखभाल करने के लिए एक छोटी नतनी है, नतनी पोतो। अभी इसको एक बोतल का नशा हो गया है बीमार के कारण, फिर बाल झाड़ रही है मेरी माँ। करीब 90-95 साल की हो रही होगी। और देखिए हम क्या लाए हैं इनके लिए, कुछ से उड़ा दिए हैं। हमको भी सर्दी बुखार हो गया है, देखिए ये है तेल ला दिए आधा किलो। उसके बाद आम है, और उसमें सेव है, इतना नासा क्यों है। और सब्जी में ये देखिए बहुत नासा मार के गई, 3 किलो आलू है, नासा ला वाली के ना रखे। आधा किलो भिंडी है, और मिर्चा है, ये गिलोय है, गिलोय जिसमें सर्दी बुखार हटने के लिए पिया जाता है, और हम इसको पी करके भी आए हैं। तो हमको भी सर्दी और बुखार लगा है, तो इसलिए हम इसको लेके आए हैं ताकि माँ को भी दे सकें। मेरा अभी खांसी चल रहा है, खांसी है। 3 किलो आलू है, और भिंडी है कुछ, हमको 10 दिन पहले बुलाए थे, लेकिन वहाँ नहीं कोई रहने के कारण से हम नहीं आ सके। मेरा घर यही है दोस्तों, देख सकते हैं, छत के ऊपर से भी दिखाएंगे। घर का हालत, जब यहाँ कोई नहीं रहता है तो कौन बाढ़ सोड़ करेगा, इसलिए कोई बाढ़ सोड़ नहीं करता है। हम लोग का किचन देखिए, यहाँ किचन में भी खाना उन्हें शायद नहीं बनता है, और मंजिला भैया का बेटी है, बाकी देती है कुछ खाने के लिए, और ये नातिन पुतो है, और ये मेरा घर का स्थिति है। ये खिड़की है, और घर का मेरा सामने इस प्रकार दिखता है, आगे लगा हुआ। देखिए हम बाइक कैमरा दिखाते हैं आप लोगों, देख सकते हैं पेची लगा हुआ है। ओ माय गॉड, ये मेरा घर का और एक चौकी है, यही सब है। बड़ा सा बक्सा है, हम नहीं रहते हैं, करीब करीब इसके छः सात साल हो गए। अंधेरा भी, लाइट नहीं है, छोटा चुन्नू मुन्नू बाबू। हाँ ना, कच्चा शनिवार लगे तो कहाँ तो उठता है। माँ थोड़ा कम सुनती है, इसको इशारा में ही समझना पड़ता है और समझाना पड़ता है।
पैसवा तोर मिल कर ना मिल पैसवा ना शनिवार लगे आज आज ना जी भाई ना नहीं कहे ले शनिवार लगा है शनिवार के बंद रहो है शनिवार हाँ तो बंद रहो है बुझे ना पा रहा बैंक तो खुला बैंक आब रही अब ना चावल छोड़े तखन लाइन दबो एक महीना कई जगह कर दी तो एक महीना हो गए पाँच हजार हो जब तो कौन लगा एक महीना चेक कर ही चेक कर अरे 3,000 होते 3,000 रुपया होता है पाँच हजार जो खतवा जो देख सकते हैं हमारा माँ का स्थिति इस तरह है। तो मेरी माँ कह रही थी कि पैसा उठवा दो बैंक से, तो बैंक आज शनिवार है तो टाइम से भी आए नहीं, तो शनिवार के हो सकता बंद भी रहता है और एक शनिवार खुला रहता है तो पता नहीं हमको, इसलिए अभी नहीं आएंगे। वो अभी 5 तारीख है तो 5-6 दिन के बाद आएंगे और इनका पैसा उठा देंगे। देख सकते हैं आम भी बहुत, इतना सारा आम के गाछ क्या करेगी मेरी माँ, देख सकते हैं स्थिति खराब है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो हम अपना घर का थोड़ा एक राउंड दिखाते हैं छत के ऊपर से। ये दोस्तों सीट ला के रखा हुआ है, अभी तक हम इस पर चढ़ा नहीं पाए हैं, मेरा पैर डीडल तो हो गया कि क्या। इधर यहाँ मेरी बहन रहती थी, अरे फुट के बेहाल हो गया है। और मेरा गांव इस तरह देखिए, ये मेरा कटहल का पेड़ है। तो अब मेरा घर यही है, मेरा गांव भी यही है। आगे उधर इस साइड भी पहाड़ है, उस साइड में तो चारों तरफ पहाड़ है, जंगल ही जंगल है, कहीं आपको दूसरा गांव नज़र नहीं आएगा इस गांव के अलावा। अगर इस गांव के अलावा है भी तो करीब 1 किलोमीटर दूर में है। देखिए जो आगे साइड उधर दिखाई दे रहा है उधर है एक गांव। मेरा गांव का नज़ारा इस तरह है, देख लीजिए। मेरी बाइक वहाँ लगी हुई है और पानी तो आ रहा है पूरा एकदम लाल। पानी का भी स्थिति खराब है। अभी जंगल दिखाते हैं आप लोग को, बकरी बैल चराने जाते थे वही जंगल। देख सकेगा कि पहले का घर क्या था, कैसा था और अब माहौल क्या बन गया है। तो हम भी देखे हैं, पहले का घर पूरा उस तरह का मिट्टी घर हुआ करता था। उधर एक और भी पड़ा हुआ है मेरे घर में मिट्टी का घर, आपको जूम करके दिखाते हैं। दिख रहा है थोड़ा बहुत और मिट्टी घर जो कि बहुत पहले का है। तो नैनमा भी मेरा फोड़ा हुआ है, आप लोग बोलते होंगे फला फल गया है, लेकिन हम लोग देहात के गांव में बोलते हैं फर गया है, फोरल है कि नहीं। देखिए उसमें नैनमा लगवा है 2 गो, हम जूम करके दिखाते हैं आप लोग को। ये रहा और एक उधर भी है,
देख सकते हैं। मेरा घर यही है, ये मंजिला भाई का घर है, देखिए छत का है और ये खपड़ा घर है, और ये मेरा घर है। बस दोस्तों, तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आने वाला दिन में मेरा नाती पोता या बेटा बेटी हमारी माँ को देख सकेगा, क्योंकि हम अपना बाप को खुद देख नहीं पाए। बड़ी दुख की बात है, अगर ये चीज़ टेक्नोलॉजी होता पहले मोबाइल सिस्टम का तो शायद हम देख पाते, लेकिन आज हो गया है, पहले नहीं था तो हम देख नहीं पाए, ना ही फ़ोटो देख पाए, ना चेहरा देख पाए, और मेरा बाप कैसा था कैसा नहीं भी पता नहीं है। इसलिए हमको वीडियो आजकल बनाने का ज़रूरत पड़ गया है, ताकि अगला पीढ़ी जो है वो देख सकेगा पिछला पीढ़ी का नमूना, जैसे मेरी माँ हो गया, हमको हो गया, इस कारण से जो कि वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ता है और बना रहे हैं। आम ला दी है, देखिए आम भी खा रही है। कल तो चल तक नहीं पा रही थी, लेकिन आज चल रही है और बोलती है कि नशा हो गया है, इस कारण से चल रही हूँ बाय में। अरे बागी लगा के यहाँ क्या फायदा है। चल जेबाय, हम जेबाय अब। कहाँ गए तुम ससैया? रोपा रोपे। अच्छा, तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा यहीं तक है, बाकी दूसरे वीडियो में मिलते हैं फिर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।